ليش هذا إحنا؟ هذه بلد مسلم صح؟ أي مو من كافر صح؟ أوكي أنت مسلم؟ أنا مال كفر صح ولا لا؟ هذه جيرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف منو اللي يعبد الأصنام هني. ما هو الكبير الكسر اللي بيروح الكسر الكبير في البلد. يلا أبي شرطة. مال هندوس تقول بعد. जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह बुर्का पहनी महिला भगवान गणेश की मूर्तियां तोड़ रही है। ये वीडियो बहरीन के एक सुपरमार्केट का है जो अब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इससे हिंदू समुदाय में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बहरीन की राजधानी मनामा के जाफियर मार्केट का है जहाँ बुर्के में खरीदारी कर रही दो महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में दो महिलाएं बुर्का पहने सुपरमार्केट के गलियारे में खड़ी दिखाई देती हैं, जिसमें हिंदू उत्सव गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणपति की मूर्तियां रैक पर रखी दिखाई देती हैं। महिलाओं में से एक ने मूर्तियों को उठाया और उन्हें एक एक करके फर्श पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद मूर्तियां टुकड़ों में बिखर गईं। दूसरी महिला ने अपने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड किया। महिला को अरबी में सुपरमार्केट के कर्मचारी पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। महिला ने मुस्लिम देश में बेची जा रही गणपति की मूर्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोहम्मद बिन ईसा का देश है, क्या आपको लगता है उन्होंने इसे मंजूरी दी है? फिलहाल बहरीन पुलिस ने गणपति की मूर्तियों को तोड़ने वाली महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 54 वर्षीय महिला पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं और अनुष्ठानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पुलिस ने एक दुकान को नुकसान पहुंचाने और एक संप्रदाय और उसके अनुष्ठानों को बदनाम करने के लिए महिला के खिलाफ कानूनी कदम उठाए हैं। तो इस महिला के ऐसे स्वभाव पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।